दोस्तों, हमारी धरती में समय समय पर डिवाइन बीइंग्स आते रहे हैं। वो मानव सभ्यता को विकसित होने का मार्ग बताकर वहीं वापस चले जाते हैं जहां से वो आए थे। ये डिवाइन बीइंग्स अपने पीछे बड़े बड़े रहस्य छोड़कर गए, जिनकी मदद से मानव बड़े से बड़े चमत्कार कर सकता है। साथ ही साथ समय समय पर हमारी धरती में मौजूद कुछ लोग भी इतना विकास करते रहे हैं कि उनके हाथ प्रकृति के पूरे राज लग जाते थे। कुछ ऐसे राज जो अगर हमें पता चल गए तो प्रकृति पर हमारा पूरा नियंत्रण भी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इतना ऊपर उड़ जाता है, उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि संसार में अच्छे कम और बुरे लोग ज्यादा हैं। अगर ये रहस्य किसी बुरे इंसान के हाथ में लग गए तो वो अपने फायदे के लिए पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता है। भारत में एक ऐसे ही सम्राट हुए हैं जिनके हाथ प्रकृति के ऐसे रहस्य लग गए थे जिनकी मदद से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करना संभव था। आज के एपिसोड में हम सम्राट अशोक और उनकी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानेंगे, जिसके मेंबर्स आज भी जीवित हैं। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिनके पुत्र बिंदुसार हुए। चंद्रगुप्त और बिंदुसार बहुत ही जबरदस्त एम्परर्स थे, जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी और हिंदुस्तान को समृद्धि की चरम स्थिति तक पहुंचा दिया था। अशोका के समय मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत, अफगानिस्तान और पर्जिया के पश्चिम क्षेत्रों में फैला था, पूर्व में बंगाल और असम तक और दक्षिण में मैसूर तक। शुरुआत में अशोका को एक कठोर राजा माना जाता था, क्योंकि वो युद्ध करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके सामने शत्रु की सेना खड़े होने से भी डरती थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक के मन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध में इतने लोगों की जान जाने से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक इसके बाद शांति के रास्ते पर चल पड़े। अशोका के राज्य को भारत के इतिहास का सबसे ग्लोरियस टाइम माना जाता है। ये ऐसा स्वर्ण युग था जब सभी लोग सुखी और समृद्ध थे, और इस समय हमारी सभ्यता बेहद विकसित भी थी। अशोका बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इसके प्रचार में सहायता भी की। कलिंग युद्ध के बाद अशोका को एहसास हुआ कि हम जितनी शक्तियां विकसित करते हैं, उतना ही हमारी सभ्यताओं के नष्ट होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। अशोका के पास 9 ऐसी रहस्यमयी किताबों का खजाना था, जिसके अंदर दुनिया के हर विज्ञान और चमत्कारों के राज छुपे हुए थे। अशोका नहीं चाहते थे कि ये किताबें किसी भी ऐसे इंसान के हाथ लगे जो इनका गलत फायदा उठा सके। इसलिए 227 BC में अशोका ने अपने 9 भरोसेमंद और बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा करके एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। ये ऐसे 9 लोग उस दौरान मौजूद अशोका के साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान लोग थे। अशोका ने हर एक मेंबर को एक खास किताब दे दी और उनसे कहा कि वो इन 9 विषयों पर शोध करते रहें और इन किताबों को हमेशा छुपा कर रखें। इन 9 लोगों की पहचान आज तक किसी को नहीं पता, और ना ही इन लोगों को अपनी पहचान जाहिर करने के आदेश थे। अशोक चाहते थे कि ये लोग किताबों में मौजूद रहस्यों को सिद्ध करके इस पर आगे और शोध करते रहें और इस ज्ञान को बढ़ाते रहें। लेकिन गलती से भी ये किसी इंसान के हाथ ना लग सके। उन्हें इस ज्ञान का इस्तेमाल गुप्त रूप से तभी करने को कहा गया था जब इसकी जरूरत हो। दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर इन 9 किताबों के अंदर कैसे रहस्य छुपे थे। जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को नहीं पता कि इन किताबों में क्या क्या लिखा है, लेकिन इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर अवेलेबल है। एक किताब फिजियोलॉजी पर आधारित है। इस बुक में मानव शरीर पर पूरा नियंत्रण करने का ज्ञान मौजूद था। इसमें हमारे शरीर के ऊर्जा तंत्र को भी डिटेल में समझाया गया था, जिसे समझने और नियंत्रित करने पर हमारा पूरा नियंत्रण हमारे या किसी और के शरीर पर हो सकता है। इसके जरिए शरीर की किसी भी चोट को टच करके हील किया जा सकता है, टूटी हुई हड्डियों को छू कर जोड़ा जा सकता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऊर्जा के जरिए रिन्यू या रिजुविनेट किया जा सकता है, और लगभग शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ऐसी ऐसी तकनीकें भी लिखी हैं जिससे हम दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं, जैसे एक बार टच करके किसी के शरीर से प्राण को बाहर निकाल देना,
माना जाता है मार्शल आर्ट्स, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर की पद्धतियां भी इसी किताब से बाहर निकले हुए कुछ छोटे छोटे अंश हैं। दूसरी बुक है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें सूक्ष्म जीवों और उनसे संबंधित शोध का ज्ञान था। हम सबको लगता है कि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद से हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना शुरू किया, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में हजारों सालों पहले से ही इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया और इन पर शोध कर लिया गया है। इस बुक में केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं बल्कि एटम पर शोध भी शामिल था, जिसके जरिए खतरनाक से खतरनाक बॉम्ब्स बनाए जा सकते थे। और इस बुक में वायरस के बारे में भी पूरा ज्ञान मौजूद था, जिसके जरिए दुनिया को बचाया भी जा सकता है और इसे खत्म भी किया जा सकता है। तीसरी बुक थी प्रोपोगंडा की। इस किताब में मासेस को इन्फ्लुएंस करने के गुप्त तरीके विस्तृत रूप से समझाए गए थे, कैसे हम इंसानों के मन को परिवर्तित कर सकते हैं और कैसे हम लोगों के मन में एक नायक बनकर उन पर राज कर सकते हैं, कैसे दूसरों की सोच को अपने अनुसार बदल कर उनके मन में वो जानकारी डाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये किसी मास हिप्नोसिस की तरह काम करता है, जिसका असर परमानेंट होता है। चौथी बुक एल्केमी पर बेस्ड थी, जिसमें किसी पदार्थ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति छुपी थी। एल्केमी पर लोगों ने समय की शुरुआत से ही शोध किए हैं, लेकिन अशोका के पास वो तकनीक मौजूद थी। इस पद्धति से साधारण मेटल्स को परिवर्तित करके सोना बनाया जा सकता था। इस पद्धति से ऐसा पदार्थ भी बनाया जा सकता था जिसे हम पारस कहते हैं। इसकी मदद से मानव शरीर को अमर भी बनाया जा सकता था। दोस्तों, टैबोट मंडी ने 9 अननोन मैन के बारे में एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब सूखा पड़ने की वजह से जीना मुश्किल हो गया था, और उस दौरान मंदिरों और रिलीजियस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को एक अननोन सोर्स से बहुत बड़ी तादाद में सोना मिला था। मंडी कहते हैं ये सोना एल्केमी की मदद से तैयार किया गया था। पांचवी बुक कम्युनिकेशन की थी। इस बुक में कम्युनिकेशन के सभी पॉसिबल मेथड्स की जानकारी मौजूद थी, जिनमें से एक टेलीपैथी भी है। दोस्तों, इस बुक में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में भी विस्तार से बताया गया था। इसका मतलब अशोका को न केवल एलियंस के बारे में पता था बल्कि वो उनसे संपर्क भी कर चुके थे। बुक में एलियन से कम्युनिकेट करना और उनसे क्या मदद ली जा सकती है, इसकी जानकारी दी गई थी। चौथी बुक ग्रेविटी की थी। इसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम और एंटी ग्रेविटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। इसके अलावा वैदिक विमानों को बनाने के तरीके भी इसमें शामिल थे, जो बिना किसी फ्यूल के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की विपरीत शक्ति के द्वारा हवा में उड़ते थे। सातवीं बुक में रोशनी के बारे में विस्तृत वर्णन मौजूद था, कैसे रोशनी को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है और कैसे रोशनी के जरिए डेडली वेपन्स बनाए जा सकते हैं। आज मॉडर्न साइंस लेजर वेपन्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। संभव है अशोका के पास लेजर वेपन्स मौजूद थे। आठवीं बुक सोशियोलॉजी के बारे में है। इसमें बताया गया है कि किसी भी सभ्यता को किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिनकी मदद से वो बेहद उन्नत बन सकती है। साथ ही साथ इस किताब में किसी सभ्यता के डिक्लाइन होने या फिर उसके नष्ट होने के लक्षणों को पहले से ही जानना और उन्हें पहले से ही सुधार लेने के तरीके भी शामिल थे। आखिरी बुक कॉस्मोलॉजी पर आधारित थी, जिसमें ब्रह्मांड के सभी तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। जैसे हमारा जगत 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हमें वर्णन मिलता है कि इस सृष्टि में लगभग 35 तत्व मौजूद हैं। इस किताब में उन सभी तत्वों की जानकारी के साथ साथ उन्हें अपने नियंत्रण में लेने का विज्ञान भी शामिल था। दोस्तों, ये 9 अननोन मैन कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करते और माना जाता है कि वो हिमालय के जंगलों से लेकर हमारे बीच तक कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनके राज को जान नहीं सकते। दुनिया में ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं जिनके पास दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता है। कभी हम किसी सीक्रेट सोसाइटी को अच्छा समझ लेते हैं तो कभी बुरा। सच्चाई तो ये है कि हमें ऐसी सोसाइटीज के बारे में सही जानकारी है ही नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के बारे में बात करते रहते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।